हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छा होंगे। तो ये किरण है, सैनी किरण है, 50 टन की, 50 टन की किरण है। तो मैं और फंक्शन बताऊंगा इस किरण का। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए कि नेक्स्ट वीडियो में बना के डालूँ तो आप लोग के पास तक ले पहुँच जाए। तो मैं और फंक्शन बताऊँगा। ऑपरेटिंग केबिन के बाहर साइड में एक सिल्वर कलर का एक प्लेट दिया है, अल्मोनिया प्लेट। तो यहाँ पे लिखा है सैनी STC 500 लिखा है, 50 टन की है क्रेन जी। यहाँ पे लिखा है 50 टन। तो इसका राइट साइड में दिया है बैटरी ऑन ऑफ करने के लिए, दिया है यहाँ से बैटरी ऑन ऑफ होगा, राइट साइड में दिया है। यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए दिया है, बैटरी ऑन होगा और ऑफ होगा राइट साइड में। तो ये ऑफ हो गया, ये ऑन है। राइट साइड में दिया है हाइड्रोलिक टैंक दिया है। तो हाइड्रोलिक ऑयल चेक करना है तो इसको और ट्रिगर जैक पूरा फुल क्लोज करना है, इसके बाद हाइड्रोलिक ऑयल चेक करना है आपको। लेफ्ट साइड में दिया है डीजल टैंक, यहाँ से डीजल आप डाल सकते हैं जी। यहाँ पर डीजल डालने के लिए टैंक दिया है। तभी मैं ड्राइविंग केबिन में जा रहा हूँ तो मैं ऑल फंक्शन बताऊँगा इस क्रेन का। तो स्टीयरिंग के नीचे साइड में दिया है, एक क्लच है और ये ब्रेक है और एक्सीलेटर है। यहाँ पर स्टीयरिंग में दिया है चाबी के दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप इंजन चालू कर सकते हैं चाबी लगा के। तो मैं इंजन को स्टार्ट कर लेता हूँ। इंजन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर छोटा सा डिस्प्ले दिया है RPM का और एयर का, ये सब यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ये जो गेज दिख रहा है ये टेम्परेचर का है, ये टेम्परेचर का है और ऊपर का डीजल गेज है और ये RPM का है, ये RPM के RPM और स्पीड का, कितने के स्पीड में आप चला रहे हैं किरण रोड पे, वो यहाँ पर स्पीड बताएगा। स्टीयरिंग में एक डंडी दिया है, इसमें लाइट का है, सिंगल इंडिकेटर चलेगा लेफ्ट राइट और हाई लो के लिए, जैसे इंजन कंट्रोल के लिए यहाँ पर दिया है जी। इंजन कंट्रोल के लिए इसको अंदर दाब देंगे तो इंजन कंट्रोल का लग जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा तो इंजन कंट्रोल हट जाएगा। सिंपल नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाता है इंजन कंट्रोल का, बाकी हो सकता है सेंसर खराब होगा इसीलिए नहीं दिखा रहा है। स्टीयरिंग के राइट साइड में दिया है, यहाँ पर दिया है वाइपर का, इसे घुमा देंगे। इसके बाद ये पानी का दिया है, इसको पुश करेंगे तो पानी देगा यहाँ पे वाइपर का। ये हैंड ब्रेक दिया है सामने, स्टीयरिंग के जस्ट सामने में दिया है हैंड ब्रेक। और ये PTO का है जी, PTO के बटन है दोनों, एक PTO लगता है, ये न्यूट्रल करता है PTO का। ये ऑप्टिकल लाइट है, हॉर्न का है, ये पार्किंग लाइट का है, ये 4x4 है, ये डिफरेंशियल लग का एक दिया है बटन। तो मैं गियर का समझा देता हूँ। इसमें गियर का दिया है 1, 2, 3, 4, जिसके ये लो गियर में चलेगा जी, लो में चलेगा। यहाँ पर एक डंटी दिया है हाई लो के लिए जी, हाई लो के लिए दिया है, ये हाई हो गया, ये लो के लिए है, ठीक है। तो लो में चलाना है तो 4 तक ले गियर लगेगा, लो में चलाना है तो 4 तक ले गियर लगेगा। इसके बाद हाई में चलाना है, हाई में चलाना है तो पहले इसको न्यूट्रल करके इसके बाद इसको उठा लेंगे डंटी को, जो यहाँ पे दिया है हाई लो का बटन, इसको उठा लेंगे, ठीक है। हाई को ये बटन उठाएंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले में ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आ गया है खरगोश का, वो सैंपल दिख रहा है, उसको बंद करेंगे तो ये देखिए उसका सैंपल चल जी, खरगोश का सैंपल था वहाँ पे डिस्प्ले में दिखा रहा था, ये चला गया है। तो आपको हाई में चलाना है तो ये हाई का बॉटम ऊपर उठाएंगे तो एक की जगह 5, 2 का लगा 6, ऐसा गियर चेंज हो जाएगा। टोटल इसका गियर है कितना, तो 8 है फ्रंट, एक रिवर्स है, एक लो में, इसका टोटल है कितना, 10 गियर है जी, 10 गियर है। एक हो गया
लो, आइए 8 तक लग गया, इसमें लगेगा तो हो गया 9, आ एक रिवर्स, 10 गियर है टोटल, ठीक है। तो हाई में चलाना था 20 उठा के, इसको हाई में उठा देंगे इस 20 को, इसके बाद एक के जगह 5, 2 के लगे 6, ऐसा गियर चेंज करते अब रोड पे चलाएंगे, ठीक है। तो अभी हमको पीटीओ लगाना है लो में, तो पहले क्या करना है, ये लो में है जी, ये लो में है, अब पहले क्लच दाबना है, पहले क्लच दाबना है, पहले फुल क्लच दाबा हूँ, इसके बाद 3 नंबर गियर लगाना है जी, 3 नंबर गियर लगाया हूँ। पीटीओ जो है, पीटीओ है, इसको ऊपर लगाया और यहाँ पे सिंपल आ जाएगा, धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, तो क्लच छोड़ा धीरे धीरे, पीटीओ का ऑप्शन आ गया। अभी इसको पीटीओ छोड़ाना तो कैसे करना है, फुल क्लच दबेंगे, इसके बाद गियर को न्यूट्रल करना है, गियर को न्यूट्रल करना है, पीटीओ बटन को इसको नीचे और इसको ऊपर लेके नीचे करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल के लिए, पीटीओ न्यूट्रल के लिए ये बटन दिया है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आया है पीटीओ का, यहाँ पे शो कर रहा है, तब ये बटन जो है इसको ऊपर करके नीचे कर देंगे, ठीक है, नीचे कर देंगे, पीटीओ के ऑप्शन हट गया है, पीटीओ का ऑप्शन है। तो अभी हमको पीटीओ लगाना है जक लगाने के लिए और बूम उठाने के लिए, तो पहले 3 नंबर में गियर लगाना है, इसके बाद पीटीओ वाला बटन कर देंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, ऑप्शन आ जाएगा जी, ये आ गया है, सिंपल आ गया पीटीओ पर। अब मैं आउट ट्रिगर जक लगा लेता हूँ, तो आउट ट्रिगर जक मैं लगा लेता हूँ, ये 1, 2, 3, 4, 5 जो सकिए 5 जक है इसमें, ये आगे का लिए, आगे के लिए ये लीवर दिया है, आगे एक जक लगता है, आगे केबिन के नीचे साइड में दिया है जक लगाने के लिए, ठीक है, तो उसका ये लीवर दिया है। तो पहले हमको क्या करना है, आउट ट्रिगर लगाना है, तो ये लेफ्ट साइड का है, तो इसको ऊपर उठाना है, ये लीवर को आगे की तरफ में दाब रखें तो आउट ट्रिगर निकलेगा, आउट ट्रिगर निकल रहा है, आउट ट्रिगर निकल रहा है, वाइट भी लगा रहा हूँ। ये एक्सीलेटर के लिए, एक्सीलेटर के लिए ये दिया है, बटन दिया है फास्ट करने के लिए जी, आउट ट्रिगर निकल गया है। तो अब हमको क्या करना है, जक लगाना है, ठीक है, तो जक लगाना है, तो ये लीवर को नीचे करना है, ये पीछे वाला जक का है, ये आगे वाला जक, ये लीवर को नीचे की तरफ में दाब कर, जक लग रहा है, ये जक लग रहा है, लेफ्ट साइड के और ट्रिगर जक लगा दिया हूँ, अब राइट साइड के लगाना है और ट्रिगर और जक, ये लेवल कर दिया हूँ, ये वाटर लेवल दिया है, यहाँ पे वाटर लेवल दिया है, तो मैं क्रेन को लेवल कर दिया हूँ जी, मैं लेवल कर दिया हूँ क्रेन को। अब पांचवा जक नीचे लगा है केबिन के जस्ट नीचे साइड में, मेन हुक लगा है 50 टन के, 50 टन के मेन हुक लगा है, एक जेलरी हुक लगा है 5 टन का है, इसका कैपेसिटी 5 टन है, एक जेलरी हुक है, टोटल बूम है 4 पीस, जैसा कि 4 सेक्शन है, 4 बूम है टोटल बूम। रेडी वाटर का पानी उन्हें चेक करना है, तो सुबह में आप आके चेक कर सकते हैं, इंजन ठंडा रहेगा तो, इंजन ऑयल यहाँ से चेक होगा, जैसे कि जो ढक्कन है इसको खोल के, डोर का इंजन का जो डोर है इसको खोल के, इसके बाद यहाँ से इंजन ऑयल चेक होगा। बूम के ऊपर भी लिखा है 50 टन। तो मैं ऑपरेटिंग केबिन में आ गया हूँ, तो मैं ऑल फंक्शन बताऊंगा कि ऑपरेट कैसे किया जाता है, ऑपरेटिंग करने के लिए कैसा इसमें फंक्शन दिया है, तो मैं ऑल मैं इसका जो ऑपरेटिंग करने का जो फंक्शन दिया है मैं ऑल बताऊंगा। तो ये जो है लेफ्ट साइड में लीवर है, स्टिक लीवर है, इसमें स्विंग क्या है, ये बूम स्टैंड होगा, इन होगा, बूम अप डाउन होगा, इसे ये इस लीवर से बूम अप डाउन होगा, एक्जिली हुक डाउन, एक्जिली हुक अप, और मेन हुक डाउन, मेन हुक ऑफ होगा, और नीचे में दिया ये हॉर्न का बटन है, और ये एक्सीलेटर के लिए दिया है जी। यहाँ पे जो है जैसा कि पूरा फंक्शन काम करने लगेगा उसके लिए ये दिया है बटन, तो इसको ऑन कर देंगे तो जाके सब फंक्शन लीवर ऊपर काम करेगा। ये इंजन बंद हो जाएगा, ये बाईपास है, ये स्विंग का है बटन,
ये दोनों नीचे रहेगा बटन तो एक नंबर बूम निकलेगा और ऊपर आएगा तो सेकंड नंबर बूम निकलेगा, जैसा कि तीन पीस बूम निकलेगा आगे तरफ में रहेगा था। तो पहले एक पीस निकालेंगे, फुल बूम में निकालना है आपको, काम करना है कहीं प्लांट में तो पहले एक नंबर बूम फुल निकालना है, इसके बाद दो तीन चार नंबर बूम निकालना है, ठीक है। वो भी मैं बूम निकाल के बता दूंगा। ये जो है बटन है हाइड्रोलिक फैन के लिए है, हाँ ये लाइट के लिए है, ये सेफ्टी लाइट के लिए है, ठीक है, सेफ्टी लाइट के लिए है, ये हाई लो के लिए है बेंच का, ये वाइपर के बटन है और हेड लाइट के। तो ये जो दिया है चाबी, इससे पहले ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन किया तो चार सेकंड रुकेंगे, पूरा डिस्प्ले में लाइट आ जाए। साइलेंट करना है तो F7 से साइलेंट कर सकते हैं इसको, F7 से साइलेंट हो गया है। पहले बटन को ऑन कर लेता हूँ, फंक्शन ऑन हो गया है, इसके बाद बूम ऑफ करना है, बूम ऑफ हो रहा है। मैं बूम अप का दिया हूँ जी, बूम अप किया हूँ, 67 है, रेडियस है 3.3 है और बूम लेंथ है 11.4 जी, बूम लेंथ 11.4 है और मैक्सिमम कैपेसिटी है 18 टन 400, जैसा कि 18 टन 400 है, एक्चुअली लोड जो है 600 kg बता रहा है हुक का। टी फाइट है 13.6, पार्ट लाइन है 4 जी, पार्ट लाइन 4 बता रहा है। और सेटिंग में बता देता हूँ, ये जो है F2 से प्लाइजिप में हो गया तो मेन बूम में कैसे करना है मैं बता देता हूँ। देखिए प्लाइजिप में हो गया 0 15 30 0 15 30, फिर मेन बूम में हो गया, पहले मेन हुक में हो गया है। तो पार्ट लाइन अब बढ़ाना है तो भी बता देता हूँ, पार्ट लाइन कैसे बढ़ाना है। ये जो हुक के सामने वाला बॉटम जो है ना, हुक के सामने वाला, ये F2 से जैसा कि हो जाएगा, क्या नाम है, फ्लाईजिप हो जाएगा तो F2 से मेन हुक में कर सकते हैं आप, हाउस से करेंगे। और F3 से जो है हुक के सामने वाला जो बटम है उससे आपको पार्ट लाइन कम और ज़्यादा करना है तो F3 से होगा, ठीक है। ये देखिए F3 से पार्ट लाइन बढ़ रहा है, यहाँ पे 6 हो गया है तो F3 से जाके कम या ज़्यादा होगा, 10 12, लास्ट 12 है पार्ट लाइन इसका, 1 2 3 4, 4 पार्ट लाइन हो गया, ठीक है। और कुछ सेटिंग नहीं है, बस पार्ट लाइन और फ्लाई जिप पे ध्यान देना है कि मेन हुक में है कि फ्लाई जिप में। पार्ट लाइन कैसे बढ़ाना है वो भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, F3 से है पार्ट लाइन कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं बूम भी निकालने के लिए बता देता हूँ, बूम कैसे निकालना है। अभी हमको निकालना है एक नंबर बूम, तो एक नंबर बूम निकालना है तो ये जो है एक नंबर बूम में सिलेक्ट किया हूँ, अभी लीवर दे रहा हूँ, ये पायलट लीवर से बूम निकलेगा इसे क्या नाम है, ये लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला का दूसरा नंबर जो लीवर है इसे बूम निकलेगा। तो बूम निकल रहा है, आगे की तरफ मैं दाब कर रखा हूँ लीवर, ये एक नंबर बूम निकाल रहा हूँ। नीचे भी वो ऑप्शन आ रहा है, वो कर रहा है, वहाँ पे एक नंबर बूम जो है निकल रहा है और बूम लेंथ भी बता रहा है वहाँ पे जी, बूम लेंथ बता रहा है 14.3 14.4, इसे बूम लेंथ बढ़ रहा है। एक नंबर बूम निकाल रहा हूँ, जब फुल बूम निकालना है तो एक नंबर पहले फुल निकालेंगे, इसके बाद जाके दो तीन चार बूम निकालना है। एक नंबर बूम थोड़ा सा निकाल के मैं दिखा दिया हूँ, अभी इसको मैं क्लोज करके फिर सेकेंड नंबर बूम निकालूंगा, ठीक है। तो अभी इसको क्लोज कर देता हूँ एक नंबर बूम को, फिर सेकेंड नंबर बूम निकालना है, क्लोज कर रहा हूँ 14.1 14.8, बूम लेंथ कम हो रहा है।
एक नंबर बूम क्लोज हो गया है, तो अब सेकंड नंबर बूम निकालना है। तो सेकंड नंबर जब बूम निकालेंगे तो यहाँ पर वन दिखा रहा है, यहाँ पर टू हो जाएगा। ये जो बटन है इसको सेकंड में, अभी सेकंड नंबर बूम निकालना है। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर बूम शो कर रहा है, तो अभी मैं बूम निकाल रहा हूँ सेकंड नंबर। देखिए सेकंड नंबर बूम निकल रहा है, दो तीन चार नंबर बूम, एक नंबर बूम निकाला था वो थोड़ा दिखाने के लिए आप लोगों को, इसके बाद वो क्लोज कर दिया हूँ। अब सेकंड नंबर बूम निकल रहा है, तो 16.4 जैसा कि बूम निकाला हूँ सेकंड नंबर, सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों कि ऐसा बूम निकाल के आप काम कर सकते हैं। सेकंड नंबर भी बूम निकाल के आप हल्का जैसे कि कम वेट के मटेरियल है तो आप लिफ्टिंग कर सकते हैं, या हेवी मटेरियल उठाना है तो उसके लिए एक नंबर बूम निकालना है। लोड चार्ट के हिसाब से आपको बूम निकालना है, ठीक है। या बूम ग्रीसिंग कराना है तो पहले फर्स्ट नंबर बूम जो है, जो फर्स्ट नंबर बूम है उसको पहले बूम फुल निकाल के इसके बाद डाउन मार के क्लोज कर लेंगे बूम ग्रीसिंग करा के। इसके बाद सेकेंड नंबर बूम निकालना है, बूम निकाल के इसके बाद फुल बूम डाउन करना है, वो भी बैक पोजिशन में। जी बैक पोजिशन ये है, इधर जो है बैक पोजिशन में इधर आपको क्या करना है, बूम निकाल के सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर बूम निकाल के डाउन कर देंगे। इसके बाद एक नंबर बूम या सेकंड नंबर हो जाएगा, इसके बाद क्लोज करके फिर दूसरा बूम निकालेंगे। पहले फर्स्ट वाला हो जाएगा, इसके बाद क्लोज करना है बूम ग्रीसिंग हो जाएगा, तो फिर इसके बाद सेकेंड नंबर बूम को क्या करना है, बूम निकाल के इसके बाद बैक पोजिशन में डाउन मारना है। डाउन मार के बूम ग्रीसिंग हो जाएगा, इसके बाद क्या करना है, बूम को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये मैं सब आप लोग को वीडियो में बताया कि आप लोग को थोड़ा जानकारी हो जाए, मालूम हो जाए कि हाँ बूम ग्रीसिंग कैसे कराना है, काम कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, सैनिक क्रेन का 50 टन का है, सैनिक क्रेन ट्रक माउंटेड है। तो अभी मैं क्लोज कर देता हूँ, अभी मैं क्लोज कर देता हूँ बूम को। ये सेकेंड नंबर बूम निकला था, अभी इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ सेकेंड नंबर बूम, ये सेकेंड नंबर बूम क्लोज हो गया। यहाँ पे दिखा रहा है दो नंबर बूम है, जैसे कि दो तीन चार नंबर बूम निकलता है, 14.4 है, तो सेकेंड नंबर बूम क्लोज कर दिया हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, एक नंबर में बूम को शिफ्टिंग कर दिया हूँ, और ये जो चाबी दिया है बाईपास का, ये जब बूम ग्रीसिंग कराते हैं ना, बूम डाउन करके बूम डाउन करते हैं, तो उस समय में ये बाईपास के जरूरत पड़ना बाईपास के जरूरत पड़ता है, ये चाबी वाला बाईपास, और इधर भी दिया है, दोनों बाईपास लेना पड़ता है। बैक पोजिशन में जब ग्रीसिंग कराते हैं बूम ग्रीसिंग, उसके लिए ये जरूरत पड़ता है चाबी वाला बाईपास, ठीक है। तो अब मैं स्टैंड के ऊपर डाउन मार देता हूँ बूम को, स्टैंड के ऊपर मैं बूम डाउन कर देता हूँ, क्रेन के स्टैंड जो है उसके ऊपर बूम डाउन मार देता हूँ। तो मैकेनिकल स्विंग लग है, इसको मैं स्विंग लग लगा देता हूँ मैकेनिकल, ये मैकेनिकल स्विंग लग लग गया। बूम को स्टैंड के ऊपर डाउन कर रहा हूँ, ये डाउन मार के इसके बाद इंजन को बंद करना है। बूम डाउन कर रहा हूँ बाईपास ले, ये बाईपास लिया हूँ, बाईपास लेके बूम डाउन हो रहा है। फुल बूम डाउन हो गया है, ये फुल बूम डाउन हो गया है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, हाइड्रोलिक फैन बंद करना है, इसके बाद ये जो फंक्शन ऑन किया था वो बंद कर देना है, चाबी को बीच में रखना है, चाबी को बीच में रखा हूँ। तो अभी इंजन बंद करना है, तो मैं नीचे के केबिन में आया हूँ जी। इसके बाद क्लच दबाना है फुल, इसके बाद गियर को न्यूट्रल करना है, गियर न्यूट्रल हो गया, इसके बाद पीटीओ छोड़ाना है, इसको ऊपर लेके और अप कर देना है पीटीओ पे। देखिए पीटीओ के ऑप्शन चला गया यहाँ से, ठीक है। अब इसको न्यूट्रल कर देना है, ये न्यूट्रल के लिए दिया है, पीटीओ न्यूट्रल के लिए, ठीक है। तो अब मैं इंजन को बंद कर देता हूँ, स्टीयरिंग में की दिया है, चाबी दिया है, मैं इंजन को बंद कर देता हूँ, ठीक है। इंजन बंद हो गया है, इसके बाद बैटरी ऑन था उसको ऑफ करना है। राइट साइड में बैटरी ऑन ऑफ कर दिया है जी, राइट साइड में दिया है, बैटरी को ऑफ कर देना है, बैटरी ऑफ हो गया है, ठीक है। ऑन था इंजन चालू किया था, तो इंजन चालू किया था तो ऑन था बैटरी, अभी मैं ऑफ कर दिया हूँ। ये सैनिक किरण है,
यहाँ पर लिखा है साइनी ट्रॉक क्रेन एसटीसी 500, इसका मॉडल है। बूम लेंथ है 11.5 है, बूम लेंथ 3 के रेडियस में 50 टन बन रहा है कैपेसिटी, और फुल बूम लेंथ है इसका 43 मीटर। बेसिक बूम है 11.5 है जी, और आउटरिगर है 7.2 फुल आउटरिगर, 7.2 है फुल आउटरिगर है। काउंटर वेट है 3.5, जिसे 3.5 टन यहाँ पे काउंटर वेट दिखा रहा है, 3.5 टन 3 टन 500 काउंटर वेट। आउटरिगर है 7.2। तो ओके दोस्त, मैं ऑल फंक्शन बता दिया हूँ इस क्रेन का, तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करें कि नेक्स्ट वीडियो में बना के डालूँ तो आप लोगों के पास तक ले पहुँच जाए। तो ओके दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।